नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। तो आज हम बात करने वाले हैं टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 की, जिसमें काफी हाई वोल्टेज ड्रामा कंटेस्टेंट्स का लगातार देखा जा रहा है। इस बार पहला ऐसा सीजन है जब कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आए हैं। कभी टास्क जीतने के दौरान और कभी किसी और बातों पर कंटेस्टेंट्स के बीच हाथापाई तक हो गई है, हालांकि जिसको लेकर इतनी लड़ाई बढ़ गई कि बिग बॉस तक को बीच में आना पड़ा। इस बार कंटेस्टेंट्स की उंगली भी टूटी और शर्ट भी फटी। तो आइए आज आपको कुछ ऐसी ही बिग बॉस से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग कहानियां बताते हैं जो काफी चर्चा में रही। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच झगड़े ने उस वक्त भयंकर रूप ले लिया जब रश्मि ने गुस्से में आकर सिद्धार्थ पर चाय फेंक दी। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब दोनों के इस झगड़े में अरहान खान कूद पड़े, जिसके बाद धक्का मुक्की में सिद्धार्थ ने उनकी शर्ट फाड़ दी। फिलहाल अरहान अब बिग बॉस के घर से बाहर है। बिग बॉस के घर में अच्छे दोस्त रहे सिद्धार्थ और आसिम अब दुश्मन हो चुके हैं। दोनों के बीच इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं कि बिग बॉस तक को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। हालांकि सलमान खान ने भी हालात बिगड़ते देख दोनों के बीच में बीच बचाव किया और सलाह दी एक दूसरे से बात ना करें। कई ऐसे मौके भी रहे जब सिद्धार्थ और आसिम ने एक दूसरे के घर वालों को खूब गालियां दी। बिग बॉस के घर में मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह के बीच प्यार कम और लड़ाइयां ज्यादा देखी गई। अपने गुस्सेल बिहेवियर के कारण मधुरिमा ने इस बार विशाल को चप्पल से पीटा भी था। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले मधुरिमा ने सीमा पार करते हुए विशाल को फ्राई पैन से भी मारा, जिसके बाद बिग बॉस ने दोनों को जेल की सजा भी दी थी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।